Hey friends, here we're going to study about dots, dyes and slurry. It's our lesson number 8 for how to read sheet music. So, what is a dot? A dot जो हमारे पास होता है वो किसी भी नोट की जो हमारे पास ड्यूरेशन है वो 15% इंक्रीज कर देता है 50%. तो हमारे पास एक फुल नोट है उसकी वैल्यू पास है हमारे पास 1 और इसके साथ अगर मैंने डॉट लगा दिया तो उसकी हाफ वैल्यू इंक्रीज होगी. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्रोचेट प्लस हाफ नोट, वेरी सिंपल. इसी तरह हमारे पास एक हाफ नोट के साथ डॉट लगा तो हमारे पास हाफ का क्वार्टर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव हाफ नोट 3/4 नोट्स. हमें पता है कि जो एक हमारे पास जो हाफ नोट है वो 2/4 नोट्स के इक्वल है. इसी तरह क्वार्टर का होगा 1/4 और अगर हम क्वार्टर का हाफ कर लें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 नोट, और ये 3/8 नोट के इक्वल होगा. दिस इज़ वेरी सिंपल. तो हम इसकी अब एग्जांपल देखते हैं. तो ये मैंने एक स्टाफ लिख के रखा है, मैंने यहाँ पे एक डॉटेड नोट लगाया है. ये हमारे पास कौन सा नोट है, ये हमारे पास जी नोट है जिसके साथ डॉट लगा हुआ है. इधर ये शार्प लगा हुआ, ये शार्प लगा है एफ, एफ शार्प, और हमें पता है कि एफ शार्प से आगे जी होता है तो हमारे पास इसका की हो गया जी. तो इस डॉट नोट को मैं प्ले करूँगा कुछ इस तरह से. तो पहले नोटेशन दे देते हैं, हमारे पास है इसमें जी ए बी और फिर हमारे पास बज रहा है ए जी B G, तो ये हाफ है बिल्कुल सेम. तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्वार्टर है, इसे ऐसे प्ले होना चाहिए था लेकिन ये प्ले होगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे प्ले होगा. हमारे पास इसकी हाफ वैल्यू इंक्रीज हो गई है लाइक नहीं, इट्स लाइक ये वाला इसकी हाफ. वैसे ये हमारे पास क्वार्टर नोट है, ये आप देख रहे हैं ये वाले 2 क्वार्टर नोट्स हैं. ये हमारे पास कौन से नोट है, हमारे पास है ये बी वाले नोट है. तो ये वैल्यू, लेकिन हम इसे जी के साथ क्वार्टर नोट है लेकिन हमारे पास एक डॉट लगा है तो उसकी 50% वैल्यू इंक्रीज हो गया. ये देखें तो ये हमारे पास कौन सा नोटेशन है, हमारे पास जी ए बी बी ए जी ए डी जी. तो लेट्स मूव टू वर्ड टाइज. हमारे पास टाइज क्या होती है, ये मैंने बार लगाया है. किसी भी नोट को अगर हम बीट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसके दरमियान बार या फिर मेजर्स लाइन लगते हैं. इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने इसे इंक्रीज करना होता, एक डॉट होता, तो मैं इसे एज ए बार भी लिख सकता था. फॉर एग्जांपल लेट्स लुक ओवर हियर, वी हैव दिस वन, वी हैव दिस एंड डॉट, सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस वन एज अ बार. ये हमेशा हेड से हेड लगती है. और बार क्या होता है कि मल्टीपल नोट जो सेम पिच के होते हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है उसको मर्ज करता है, उसे ज्वाइन करता है. तो ये ए नोट है मेरे पास, नहीं ये एफ नोट है और एफ नोट सेम ड्यूरेशन के हैं तो ये मर्ज हो गए. अब मैं पियानो पे प्ले करके दिखाता हूँ कि ये टाई कैसे प्ले होगा. वैसे पहले अगर नॉर्मल ये होता, बार नहीं होता, तो ऐसे प्ले होना था. एफ ये सिंपल 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन अभी ऐसे प्ले होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट्स प्ले इट विद मेट्रोनोम.
तो मेट्रोनोम के साथ इसे ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास 4/4 मेट्रोनोम है मेरे पास, इसे हम प्ले करते हैं ऑन द वायलिन। अगर ये सिंपल होना था तो ये ऐसे प्ले होना था, लेकिन टाई ने, जो हमारे पास टाई है, इसने क्या कर दिया कि जो सेम पिच के जो एफ नोट था उसकी ड्यूरेशन को मर्ज कर दिया। तो लाइक इट्स इट्स वुड लाइक इसी तरह शीट म्यूजिक में हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है। मैं एक सी स्टाफ ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ये चलो बेस ही बना लेते हैं, ये बेस क्लैफ है मेरे पास, कलर ड्रा हो गया। चलो यहाँ पे लगा देते हैं, आई थिंक सो। चलो ये एक बेस क्लैफ है, इसमें हम प्ले करेंगे स्लर। ये मेरा एक एफ नोट है, एक मेरा ए नोट है। अब इसमें क्या होगा कि जो स्लर होंगे वो डिफरेंट पिच वाले जो नोट होंगे उसको स्मूथली, इसके दरमियान में कुछ नोट प्ले कर देते हैं। या हमारे पास स्लर होंगे वो डिफरेंट नोट ऑफ डिफरेंट पिच, उनको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने में हम इसे लेगेटो भी कहते हैं। ये क्या होगा कि ये स्मूथली रन होगा। तो ये कैसे बजेगा ये, तो इट्स है हमारे पास है एफ ए